यार जैसे पेट्रोल महंगा हुआ तब से यार केसेस बहुत ज्यादा आप सुनते आ रहे हैं यार, ईरानी तेल मतलब पेट्रोल ये वो जब गाड़ियों में डलता है वो फिर डेफिनेटली वो डैमेजेस क्रिएट करता है, वो आपके इंजन को डैमेज कर देता है। उमर भाई कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। उमर भाई आजकल इंजन में फॉल्ट बहुत आ रहे हैं, मैं जब से पेट्रोल महंगा हुआ मैं तब से ये सुन रहा हूँ कि काफी इशू आ रहे हैं इंजन में, इसके बारे में हमें कुछ गाइड करें यार। यार आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आजकल ना ये केसेस बहुत सारा जो है स्प्रेड हो गए हैं, उसकी वजह पता क्या है मैं बताता हूँ आपको। यार आजकल जो है ना पेट्रोल जब से महंगा हुआ, जैसा कि आपने कहा यार जब से पेट्रोल महंगा हुआ तब से यार केसेस बहुत ज्यादा आप सुनते आ रहे हैं, यार जब से पेट्रोल महंगा हुआ तब से ये धोलभरी भी तो बढ़ गई है। पेट्रोल जो है वो क्वालिटेड नहीं है, हम क्या कहते हैं हम अगर देहाती इलाकों से है तो हम पेट्रोल वहां से फिलअप करवाते हैं, जो भाई जाते हैं लॉन्ग रूट पे भी, तो इससे क्या होता है कि ये आजकल आपने सुना होगा ईरानी ऑयल बहुत ज्यादा आ रहा है, ईरानी तेल मतलब पेट्रोल ये वो जब गाड़ियों में डलता है वो फिर डेफिनेटली वो डैमेजेस क्रिएट करता है, वो आपके इंजन को डैमेज कर देता है, तो इससे क्या होता है कि आप फिर कहते हैं कंपनी एंड पे जा कहते हैं कि यार ये क्या है आपका क्वालिटी है, ये सब चीजें मैटर कर रही है, इंजन इतनी जल्दी फारग होता है, तो भाई मेरे पेट्रोल जो है वो एक मसनूआत है, अगर वही आप दो नंबर पेट्रोल के अंदर डालोगे, जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, हम अगर खालिश चीजें खाएंगे तो उसी हिसाब से हमारी सेहत अच्छी होगी, अगर हम दो नंबर चीजें खाएंगे जैसा कि आजकल हर चीज में दो नंबर ही हो रही है, आर्टिफिशियल चीजें खाएंगे तो डेफिनेटली उसी हिसाब से हमें फीडबैक मिलेगा ना। तो सिमिलरली जब पेट्रोल जो है हम ये ईरानी तेल जो सस्ता तेल जो है वो डलवाते हैं या अनक्वालिटेड होता है दो नंबर होता है जिस जो मिक्सिंग होती है जिस पेट्रोल में वो हम डलवाते हैं इन गाड़ियों में, तो फिर डेफिनेटली वो डैमेजेस करता है ऑल काइंड ऑफ ब्रांड, जितने भी हमें बहुत सारे ऐसे केसेस जो है मैं खुद भी जो है वो इंसिस्ट कर रहा हूँ, लोग मुझे बताते हैं कि यार जो हमारी गाड़ी का इंजन यार वो फारिग हो गया, ये प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम हो गया, तो इसकी वजह ही ये है कि आजकल जो पेट्रोल है महंगा होने के साथ साथ अनक्वालिटेड है। सो इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड ये करता हूँ कि भाई जान आप लोग जो है वो ऑफिशियल फ्यूल स्टेशन को यहाँ ज्वाइन करें। ऑफिशियल फ्यूल स्टेशन से मुराद के जैसा कि मशहूर इलाकों में होते हैं एक बड़े पॉपुलर होते हैं फ्यूल स्टेशन, तो उनको ज्वाइन करें, उनसे ये होता है कि उन पर एतमाद होता है, वो अपनी चीज को जो है वो क्वालिटी में जो है सेल आउट करते हैं, तो उससे ये है कि आप भी बचेंगे, आपकी आपका टाइम बचेगा, वेस्ट नहीं होगा और आपकी गाड़ी भी जो है इन मसलात से बचेगी। सो इसीलिए हमेशा जो है वो क्वालिटी वाला फ्यूल को इस्तेमाल करें, और कभी भी अगर एक बात और जरूरी कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप गाड़ी को न्यू गाड़ी को ब्रांड न्यू को परचेज करते हैं, अगर कंपनी आपको रिकमेंड करती है कि भाई हाई ऑक्टेन इसमें रिकमेंडेड है तो आप हाई ऑक्टेन ही यूज करें, अगर वो कहती है कि रेगुलर फ्यूल तो आप रेगुलर डलाएं, लेकिन जिन गाड़ियों में हाई ऑक्टेन रिकमेंडेड है तो डेफिनेटली उनमें हाई ऑक्टेन ही डलवाएं, क्योंकि जब आप इतनी महंगी गाड़ी को ले लेते हैं तो डेफिनेटली पेट्रोल भी आप डलवा सकते हैं। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद आपको ये है कि भाई जान जो है जो मिक्सिंग वाला पेट्रोल जो है आजकल आ रहा है उसे ग्रेज करें, उससे बचें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी गाड़ी भी जो है महफूज रहे, इस तरह के छोटे छोटे कंसर्न से आप भी महफूज रहें। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन पेट्रोल जो है वो हमेशा क्वालिटी यूज करें, क्वालिटी वाला चाहे दो चार रुपए महंगा ही क्यों ना हो। लोग क्या करते हैं सस्ता पेट्रोल बेचते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास सस्ता है, वो फिर दो नंबर ही करते हैं, ठीक है जी। कम आपकी मालियत मतलब अगर जिस चीज की मालियत कम होगी डेफिनेटली उसकी क्वालिटी कम होगी, इसीलिए हमेशा जो है क्वालिटी वाला फ्यूल जो है वो इस्तेमाल करें, आप भी बचें अपनी गाड़ी को भी बचाएं। थैंक यू वेरी मच।